बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपने देख लिया अबू बकर अली रेसिपी, तो आज मैं रेसिपी शेयर करूँगी आपने से मज़ेदार मूली के पराठों की, जो बहुत मज़े के बनते हैं, सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खाए जाते हैं। तो देख लेते हैं मूली के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अबू बकर अली रेसिपी को, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो चले देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मूली के पराठे बनाने के लिए। तो मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बड़े साइज़ की एक मूली ले ली थी, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था और इसका पानी जो है सारा निचोड़ के अलग कर लिया था। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको चॉप कर लिया था। और ये एक अदर मैंने टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का, इसको भी चॉप कर लिया था। और ये हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और कुछ खुश मसाले जिनमें हाफ़ टेबल स्पून धनिया है, और ये हल्दी है हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून एक पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून जीरा है, और ये हाफ़ टेबल स्पून नमक है, और ये कुछ पुदीने के पत्ते हैं, और ये हरा धनिया है। ये इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो जब हम डालेंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर लिया और पैन रख लिया, इसके अंदर मैं सरसों का ऑयल ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है, ये इतना मैंने सरसों का ऑयल ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं अपनी चिकन डालती हूँ। सबसे पहले मैंने ये प्याज डाली है इसमें, ये देखें। अब इसको इस ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे, और चीज़ें भी ऐड करते हैं तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। इसको अब हम फ्राई कर रहे हैं प्याज के, इनको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का से ही फ्राई करना है, बस इसका जो कच्चा पन है वो निकल जाए, क्योंकि हम जब पराठे बनाएंगे तो उसके अंदर ही फ्राई हो जाएंगे ये। तो गाइस ये फ्राई हो गई है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसको हल्का ही फ्राई करना, तो ये हल्का सा फ्राई हो गई है। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, या हाफ टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट दिया था, इसको फ्राई कर लेंगे इसके अंदर ताकि इसे कच्चा पन निकल जाए। अब इसमें ये एक अदर मैंने टमाटर दिया था मीडियम साइज का, इसको ऐड कर लेंगे, और इसे भी हल्का सा फ्राई करना है। अब ये बाकी फिश मसाले ऐड कर लेंगे जिनके मैंने नाम बता दिए थे आपको, ये देखो। फ्लेम जो है हमने मीडियम लो ही रखना है। ये देखिए हमने पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं इसके अंदर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये हमने मूली है इसको डाल दिया है, ये बड़े साइज की हमने मूली ली थी। अब इसको भी मसाले के अंदर फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिए मूली ऐड कर दी थी हमने, ये फ्राई हो रही है इसके अंदर। अब इसके अंदर धनिया ऐड करते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। हरा धनिया ऐड करना है हमने बारीक बारीक से, इसकी हमने पहले कटिंग कर लेनी है हरे धनिया की, फिर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं जब ऐड करते हैं।
ये अब हम हरा धनिया इसको ऐड कर लिया हमने इसके अंदर, ये देखें इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो है अंदर का मटेरियल जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम बंद कर लेंगे और साइड पर कर लेंगे। ये देखिए ये तैयार हो गया। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अपने पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं सो गाइस, ये देखिए मूली की चटनी जो हमने अंदर खरीदी थी वो तो तैयार हो गई थी। अब ये हमने पेड़े बना दिए हैं। ये कुछ पेड़े हमने बड़े साइज़ के लिए और कुछ छोटे साइज़ के, हम दोनों किस्म के जब पराठे बनाना सिखाएंगे आप लोगों को आज। तो बनाना स्टार्ट करते हैं जब ये पेड़े मुकम्मल होते हैं। तो गाइस ये देखिए ये हमने बेल लिया था इसे। अब इसके अंदर हम ये मटेरियल भरेंगे मूली की चटनी जो हमने बनाई है। देखिए इस तरीके से हमने डालना है इसके अंदर से। आप लोग कम ज़्यादा चटनी जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग डाल सकते हैं। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे इस तरीके से। देखें ये देखिए ये देखिए एक पेड़ा बन चुका है। बाकी के भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। और ये जो है मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से बनाना सिखा रही हूँ मूली का पराठा। ये हमने थोड़ा छोटा पेड़ा लिया है। अब इसके अंदर हम चटनी भरेंगे अपनी। ये देखिए ये अब हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। ये पहले हमने इसमें छोटा पेड़ा लिया थोड़ा और इसके अंदर हमने चटनी भर दी है। अब ये दूसरा पेड़ा इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमने बंद कर दिया इसे। ये देखिए हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसके ऊपर ऑयल डाल दिया हमने। अब हम अपने पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। सो गाइस ये देखिए ये हमने ऑयल डाल दिया था। अब इसके ऊपर हमने पराठा भी डाल दिया है। ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर लेता है तो हम इसकी साइड तब्दील करते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए पराठा डाल लिया। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। अभी हम इसे बना रहे हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। अब ये दूसरी साइड पे भी हम घी लगा लेंगे। हमने साइड तो चेंज कर दी अपनी। सो गाइस ये देखिए फ्राई हो गया अच्छे तरीके से। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया, कितना क्रिस्पी बना है। घी में जो है पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं, आप लोग घी में इसे ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको निकाल उतार लेते हैं और दूसरा बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए उतार लेंगे हम इसे। ये पूरा तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का तैयार हुआ है। तो गाइस ये देखिए एक पराठा हमने तैयार कर लिया था। तो बाकी के भी इसी तरीके से हमने तैयार कर लिया। देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का तैयार हुआ है और कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो अब हम इसको उतार लेंगे। तैयार हो चुका है। इसको ही बाकी के साथ रख लेंगे। अब देखिए हमारे पराठे तैयार हो गए। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। सो गाइस ये देखिए हमारे पराठे तैयार हो गए थे और हमने डिश आउट भी कर लिए। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हुए, कितने मज़े के। अब हमें खोल के दिखाती हूँ। ये देखें देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के तैयार हुए हैं। टेस्ट में भी बहुत अच्छे। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ हमने ये रेड चिली सॉस लिया है और यह हरी धनिया पुदीने की चटनी है। तो आपने ये बहुत मज़े के लगते हैं और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अब वो करें रेसिपी को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।